जेके पार्टियों धांधली का सवाए नथियों खटे सघन एहतजाज कर रही आन बुधाओ वे कड़ी सीट से धांधली थी एहतजाज कर जमायतू धांधली जा सबूत फ्राहम कन कुछ पार्टियों ने माहौल में फायदो वन चाहन थो अस नींदी पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गाल बोल आम चूंड दौरान तशद तीन फायरिंग के वाक्य की जांच कराने जो ऐलान संद चवण है तो कारकुनों के तशद के वाक्य की जांच लाए जेआईटी जोड़ी वी जे सियासी कुवतू समझन थियं तो तशद की सियासत क्यों वहाँ उन भुल है लिसानियाई फिरके वारानी दहशतगर्दी बर्दाश्त करण जोगी ना है। सिंध असेंबली के नव चूंडल मैंबरन हलफ खणी वरतो स्पीकर आगासराज रानी नव चूंडल मैंबर सिंधी उर्दू ए इंग्लिश में हलफ खणायो नामजद वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह नासिर हुसैन शाह फरियाल टालपुर शर्जीली नाम मेमोर सैयद कायम अली शाह हलार वसाणी जमील सुमरे हलफ खयो अजरा पेचू हो अली हसन जरदारी मुकेश कुमार चावला साजिद जोखियो जिया अब्बास शाह भी हलफ खयो सईद गनी मोहम्मद बख्श महर तैमूर टालपुर निदा खोड़ो ए सरदार चांडियो पिण हलफ खयो जीडीए जा टे जमायत इस्लामी जो एक मेंबर ए सुन्नी इतिहाद काउंसिल जा नव मेंबर हलफ खण नाया। सभी से गर्ज मसला हल करना पवंदा मां पेरिया ही बुधा हो तो असा केतरू सीटू मिलंद पाकिस्तान में केतरा ही मसला है वफाक सूबाई हुकूमतों लाए वो चैलेंज है पीपी जे वे वजीर लाए नामजद उम्मीदवार सैयद मुराद अली शाह जू सिंध असेंबली बहरा मीडिया से गाल वो वजीर स्पीकर ए डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी जहाँ अस सभी के गड खी हलन चाहूँ था कुछ शिरपसंद सियासी मानू अदम इस्तेकाम चाहन था रद्द थियल मानू एहतजाज कर रहा अपोजिशन वट एहतजाज का सवाए को रस्तो ना है जिन जहा सजी सिंध में 15 उम्मीदवार हुआ उ चवन पाया तो धांधली थी पीपी अगवान शर्जिलना मेमर जो सिंध असेंबली बहर मीडिया से गालू संद चवण है पीटीआई बानी पारा आईएमएफ के खत लिखण 9 मई साने का भी वो डोह ए 24 करोड़ अवाम से हमलो है खत जो मतलब है तो जबरदस्ती मैंडेट दिनों वे यह पार्टी चवंदी हुई तो बाहरी मुदाखलत मंजूर ना है। असेंबली बहरा एहतजाज के शर्म अचन घुर्जे उनके आवाम रद्द कर छो है एहतजाज कड़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनन असेंबली की हिफाजत लाए समूरा उपा वरता वाया सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी जो मीडिया से गाल कराची के रेड जोन में एक महीने लाए कलम 144 लागू जुलूसन एहतजाज से पाबंदी सिंध असेंबली डा इंदड़ विंदड़ रोड कंटेनर लगाए बंद कया व्या निगरान घर वजीर आर एस नवाज से तो कें भी किस्म की शिरपसंदी खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वेंदी। सिंध असेंबली के स्पीकर ए डेप्टी स्पीकर की चूंड सुभाने थी उम्मीदवार की नामजदगी कागजन की छणछाण मुकम्मल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अवेस कादिर शाह नवीद एंथोनी जा फॉर्म बहार स्पीकर लाए एमक्यूएम उम्मीदवार सोबिया सैयद आई डेप्टी स्पीकर लाए राशिद कायम खानी के फॉर्मन की भी मंजूरी स्पीकर ए डेप्टी स्पीकर की चूंड कुछ ही राय शुमारी जरिए सुभाने 11 वगे कराई दी। स्पीकर सिप्तेन खान की सदारत हेठ पंजाब असेंबली इजलास स्पीकर ए डिप्टी स्पीकर के चूंड लाए वोटिंग जो अमल मुकम्मल पोलिंग लाए टे बूथ कायम कया व्या स्पीकर के लिए नवाज लीग के मलिक मोहम्मद अहमद ए सुन्नी इतिहाद काउंसिल के अहमद खान पचर विच में मुकाबलो डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जहीर इकबाल चनण ए सुन्नी इतिहाद काउंसिल जो मुइन रियाज आमू सामो स्पीकर ए डिप्टी स्पीकर की चूंड बुझी राय शुमारी जरिए कई पी वे। सदारती इलेक्शन 9 मार्च से कराने जो फैसलो इलेक्शन कमीशन के जरिए मौजूद 9 मार्च से सदारती चूंड के हवाले से बाकायदा शेड्यूल जारी किया वो सदर आरिफ अलवी जो 5 साल जो मुद्दों 8 सेप्टेम्बर 2023 से खत्म थी चुको पर निगरान सेटअप होने सबब आरिफ अलवी सदर की जिम्मेवारी निभाए रो है। कौमी असेंबली इजलास 26 फरवरी से घुराने का फैसलो सूमर दिहाड़े सुबह 10 लगे इजलास तलब किया निगरान वजी आजम इजलास सूमर से घुराने वाली समरी सदर दाव माने छी जरिए मूजिब कौमी असेंबली के पेरे इजलास में नव चूंडल मैंबर की अलग बर्दारी थी। बलोचिस्तान असेंबली जो इजलास 28 फरवरी से तलब गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकर नोटिफिकेशन जारी कर छो बलोचिस्तान असेंबली के स्पीकर जान मोहम्मद जमाली नवन चूंडियल मेंबरन के कसम खणाई दो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो इजलास 28 फरवरी से तलब के भी असेंबली के नवन चूंडियल मेंबरन के हलफ खणा वो पीपी अगवान मंजूर वसाण जो सदर दिनशाह राशदी के खैरपुर के कें भी एक तक तक इलेक्शन विढ़ण जो चैलेंज
संदस चवण है जीडीए जो एहतजाज बिना जवाज है दांधली भी कन था एहतजाज भी कन था सदरदीन शाह संदस पुट खैरपुर के कें भी तख ता बीहर इलेक्शन विढ़न मां तैयार आया पीटीआई बानी जो को मुस्तकबिल ना है एमक्यूएम वारा यही कावड़ दिखारींदा पर वो असा सा गड है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सेकेंडरी स्कूल टीचर की भर्ती जो टेस्ट पेपर लीक थो मामलो कमीशन के असिस्टेंट कंट्रोलर समेत नव मुलाजमन से केस दाखिल जीओआर थाने ते दाखिल एफआईआर में जिम्मेवार करार दिनल असिस्टेंट कंट्रोलर जैनल आलम कंप्यूटर ऑपरेटर सज्जाद अली एसन नायब कासिद अकबर खान मोहम्मद दानियाल शाहजेब अबड़ो अजीज अहमद शाहजेब जाफरी के नामजद एफआईआर के मतन में असिस्टेंट कंट्रोलर जैनल आलम मुजरमानी गिफलत खयानत टेस्ट पेपर में बददियानती कई है मीरपुर खास में सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच जुड़न का डिवीजन जा केतरा ही केस मुंतकिल कया व्या जजन के रिहायश वो मसलो हल कर जुडिशरी के पैंजे घर जी समझा तो फंड्स के मसलन के 15 दिन अंदर हल कर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अकील अहमद अब्बासी मीरपुर खास टंडेल अयार के दौरे दौरान गाल चवण है कैंसा भी नाइंसाफी नी जैसा नाइंसाफी थी वे थी तो उन मामले के संजीदगी से डिठो वो धाबेजी में कराची के पानी सप्लाई कर पाइपलाइनू धमाके से फाटी पयू धाबेजी पंप हाउस से बिजली की डिघे ब्रेकडाउन सबब 72 इंच जू ब लाइनू धमाके से फाटन का पानी रिहायशी इलाक में दाखिल हजारे गैलन पानी जया थो इंतजामिया मौजूद पानी की पाइपलाइन की मरम्मती कम में 48 कलाक लगी सकन था दादू की अदालत वणन की वाढ़ी वाले केस में अनोखी सजा बुधाए छी सिविल जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इरफानुल्ला अज की अदालत टिन जवाबदारन के अवामी हंधन से 18 महीनों दौरान 50-50 बूटा लगाने की सजा बुधाई वही सजा से अमल यकीनी बनाने लाए प्रोबेशन ऑफिसर हर महीने अदालत में रिपोर्ट जमा कराने जो पाबंद है